टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। ये न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टिसी के साथ पेश किया जाता है। जम्मू कश्मीर में सियासत का नया बाब शुरू हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर हल्फ उठा चुके हैं। इस सिलसिला में हम आपको झलकियां दिखाते हैं। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. जम्मू कश्मीर की सरकार बनने से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ कश्मीरी हिंदुओं के लिए कह चुके थे कि कश्मीरी हिंदुओं को वैली में वापस आकर आबाद होना चाहिए। लगता है कि अब हुकूमत बनाने के बाद भी उनका इस बात पर जोर रहेगा। आपने खुद देखा अमन कितना है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे भाई और बहन जो यहाँ से चले गए थे उस वक्त, कि वो घर वापस आए और अपने घर को संभालें और सियासतों को फिर से चमकाए। अखरा गया वक्त, कब से वक्त आ गया, उनको घर वापस आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। न सिर्फ हम कश्मीरी पंडू का सोचते हैं, हम जम्मू के लोगों का भी सोचते हैं। हम भारतीय हैं और हम यहाँ सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहूँ, आपने खुद देखा अमन कितना है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे भाई और बहन जो यहाँ से चले गए थे उस वक्त, कि वो घर वापस आए और अपने घर को संभालें और सियासतों को फिर से चमकाएं। आप बहुत पैरोकार हैं इसके कि कश्मीरी पंडित वापस आए, और यहाँ पे कश्मीरी पंडित बहुत सारे थे जो पीएम पैकेज, आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि उनके? अखरा गया वक्त, कब से वक्त आ गया, उनको घर वापस आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। यहाँ से क्या पहल होनी चाहिए उसमें? सरकार नहीं, हमारी सारी पहल होगी, नहीं सरकार की वही पहल होगी। न सिर्फ हम कश्मीरी पंडितों का सोचते हैं, हम जम्मू के लोगों का भी सोचते हैं कि उनके साथ भी हमने वही अच्छा बर्ताव करना है। उनको भी महसूस होना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत उनकी दुश्मन नहीं है। हम भारतीय हैं और हम यहाँ सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। यह है हमारा सब। कितने सालों के बाद आप शामिल हुए हैं दशहरा के? जिनने मुझे पहली दफा बुलाया है, मैं पार्लियामेंट मेंबर 5 साल से था, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। आज जब इन्होंने मुझे याद किया, मैं आ गया। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये अपने वालिद के जमाने में देखा करता था। उस वक्त वो ग्राउंड दूसरा था, इकबाल ग्राउंड जो था उसमें हुआ करता था। तब हमारे हिंदू भाई भी बहुत थे जो उसमें शामिल होते थे। आज उनकी कमी महसूस होती है, और अल्लाह करे कि अगले साल वो कमी दूर हो जाए।
तो क्या उनको पॉलिटिकली एम्पावर करेंगे आप, नई सरकार करेगी उनके लिए? क्यों नहीं करेंगे, हम सबको करेंगे, वो डोगरा हो, वो कश्मीरी हो, पंजाबी हो, जो भी यहाँ का है रहने वाला है, हमने कभी फर्क नहीं किया। मैंने आज तक कभी फर्क नहीं किया, न मेरे बाप ने किया। जब कबाली आए थे तो बचाने वाला कौन था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये लोग भूल गए हैं। उसका क्या नारा था? शहरी कश्मीर का इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, निकले सब हिंदू मुसलमान सिख लकड़ी की बंदूकें लेके, और क्या कहते थे? हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। ये नहीं कहते थे हम मुसलमान हैं तैयार, हिंदू हैं तैयार, सिख हैं तैयार। हम सब एक थे और इंशाल्लाह हम एक रहेंगे। सब सरकार बन रही है, सोनिया गांधी जी और बाकी जो इंडिया गठबंधन के लीडर हैं उनको इन्विटेशन जाएगी? क्यों नहीं जाएगी, जरूर जाएगी। पहले पता तो लगे किस दिन होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट से रूल खत्म करना है, फिर उसके बाद आगे उसका शुरुआत हो जाएगी। जिस दिन हमें मालूम हो जाएगा इस दिन ये शपथ होगी, हम सब नेताओं को हमने पहले से ही दावत दी है कि हम आपको तारीख बता देंगे, उससे मेहरबानी करके तशरीफ लाएं। आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चंडीगढ़ ने व्हाइट ग्लोब के तावन से डल लेक में बोट रेस का एहतमाम किया। इस इवेंट का मकसद श्रीनगर में टूरिज्म का फरोग था। ANI की ये झलकियां हम आपको दिखाते हैं। आज हमने डल गेट पे आर्यंस की चौथी शिकारा रेस करी है, जिसमें लगभग 30-40 बोट्स की रेसिंग करवाई है। ये चौथी बार कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे आर्यंस के जम्मू कश्मीर में टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, और ये व्हाइट ग्लोब के साथ मिलकर इवेंट करवाया गया है, और अभी जल्दी हम आर्यंस की तरफ से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी हमने फाइलिंग करी है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आर्यन ग्रुप हमारे लिए यह कुछ कर रहा है कि हमारे ये ताकत एनर्जी हो रही फोटो के साथ हर साल हो रही है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आदमी, बहुत बहुत अच्छी लगती है। आज हमने यहाँ पे एक बोट रेस ऑर्गेनाइज की है। ये हमारी फोर्थ बोट रेस है जो व्हाइट ग्लोब और आर्यन कॉलेज ने मिलकर ऑर्गेनाइज की है, जिसका मकसद पहले तो टूरिज्म को बूस्ट करना है। जो हमारे स्टूडेंट्स जो बाहर जाते हैं यहाँ से, वो कश्मीर का नाम रोशन करते हैं, हर जगह पे पहुंचते हैं, और आर्यन बोट रेस से हमारा ये फायदा होता है कि यहाँ के लोग बाहर जाके इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो हमारे बोटमैन है, यहाँ के लोकल बोटमैन है, उनको हम रोजगार भी प्रोवाइड करते हैं। इस कॉम्पिटिशन में उनका हौसला भी बढ़ता है, और इस वजह से ये हमारा एक मकसद है कि टूरिज्म और यहाँ के लोकल बोटमैन को हम प्रमोट करें, ताकि सारी दुनिया उनको देखे और यहां आके टूरिज्म भी बढ़े और इनका रोजगार भी बढ़े। कश्मीरी पंडितों ने जम्मू कश्मीर में बड़ी धूमधाम के साथ दशहरा सेलिब्रेट किया। ANI की जानिब से रिकॉर्ड करदा मनाजर देखिए।
आज हम दशहरा मना रहे हैं, आज बुराई पर अच्छाई की जीत है, सो इस दशहरे को हम बड़े जोर शोर से मनाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसा काम हो रहा है, काम चल रहा है, अभी आज दिन और कल पूरा दिन लग जाएगा इसमें, तो इसकी तैयारी में लगे हैं। लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति इस फेस्टिवल को, इस दशहरे को 2007 से मना रहे हैं हम लगातार। तो ये है कि आज हम इस पर्व को मनाते हैं। अभी हम दशहरे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल शाम को ये यहाँ पे आए थे, तो आज हमारे यहाँ प्रिपरेशन चल रहा है, तो कल शाम 6 बजे इनका ध्यान होगा। तो 2007 से हम मना रहे हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे, तो इस साल भी मना रहे हैं। तो कितने लोग आते हैं इसमें शामिल होते हैं? एक्सपेक्टेशन 400-500 लोगों का है, इसमें ज्यादा लोग मेजोरिटी के आते हैं, क्योंकि बहुत लोग वो भी जिन्होंने अभी तक दशहरा देखा नहीं है कश्मीर में, तो जो यहाँ का यूथ है उनको उतना नॉलेज नहीं है दशहरा का, तो मेजोरिटी लोग कश्मीर में ज्यादा एंजॉय करते हैं इसमें। तो 400-500 लोगों का है कि जो आएंगे कल देखने के लिए यहाँ पे। तो कितना सपोर्ट मिलता है यहाँ की कम्युनिटी से आपको? कम्युनिटी का तो सपोर्ट तो पहले से ही है, आज भी है, अगर सपोर्ट नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं होता विदाउट सपोर्ट। तो सपोर्ट पहले से ही रहा है, तो आज भी है, तो अगर सपोर्ट नहीं होता तो फिर वो लोग यहाँ पे नहीं आते, तो सपोर्ट तो पूरा है मेजोरिटी कम्युनिटी का। कितनी तैयारी अभी हो चुकी है इसमें? अभी हुई, अभी आज दिन है, कल शाम 6 बजे तक अभी हो जाएगा, कल 2-3 बजे चढ़ेगा ऊपर, तो कल शाम 6 बजे तक ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ दशहरा मनाना? बहुत अच्छा लग रहा है, हम 2007 से KPSS कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के बैनर तले बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो कंटिन्यूअसली ठीक है, बहुत खुश एंजॉय हो रहा है। अब हम आपको कश्मीर ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन के 3 रोजा गोरेज वैली टूर का हवाल दिखाते हैं। कश्मीर में टूरिज्म के फरोग की खातिर साल हर साल से काम जारी और सारी है। जम्मू कश्मीर को अल्लाह ताला ने शायद टूरिज्म के लिए बनाया है, एंड एज अ डेस्टिनेशन वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट टू इन ओनली इन अवर कंट्री। और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड माइनस इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अवर 60%, हमारी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ जरूरत है, बाकी अल्लाह ताला ने सब कुछ जो नेचुरल ब्यूटी दी है, आप देखिए गुरेज कितना खूबसूरत इलाका है, और अगर उस इलाके को गरीबी से निकालना है तो टूरिज्म इज द ओनली वाहिद सॉल्यूशन। जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुलमर्ग, उसमें भी काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं जहां हम बहुत कुछ कर सकते हैं और लोगों को गरीबी से जो है निकाल सकते हैं। लिहाजा हमारी जो है, हमारी पहली कोशिश होगी हमारी गवर्नमेंट की भी कि टू फोकस ऑन टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट है, पावर सेक्टर है, दीज आर द मेन सेक्टर्स इन अवर जम्मू एंड कश्मीर। सो हम पूरी कोशिश, उमर साहब का एक विजन है अबाउट टूरिज्म, अबाउट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, अबाउट हैंडीक्राफ्ट, अबाउट पावर सेक्टर, तो हम पूरी तरह से इनको इंशाल्लाह है जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसको हमारी गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से कोशिश करेगी टू इम्प्लीमेंट दैट। और मेरी गुजारिश है अपने टूरिज्म जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसमें टूर ऑपरेटर्स हैं, होटलियर्स हैं, हाउस बोट वाले हैं, शिकारा वाले हैं, पौनी वाले हैं, एवरीबडी हु इज कनेक्टेड विद द टूरिज्म, दे शुड बी सेटिस्फाइड। इंशाल्लाह उमर साहब की सरबराही में हम इस सेक्टर को इंशाल्लाह काफ़ी बूस्ट देंगे, बिकॉज हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, वी हैव टू ओनली टेक दम टीज प्लेसेस, जैसे गुरेज है, करना है, इसी तरह से काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, और टूर ऑपरेटर ही ऐसी चीज़ों को प्रमोट करता है। टूर ऑपरेटर का काफ़ी काम होता है टू प्रमोट थिंग्स, और ये देखिए कहाँ कहाँ डिफिकल्टी है, सो दैट रिजॉल्व इट,
ताकि टूरिस्ट जो वहाँ इन प्लेस पर जाए उसको कोई मुश्किल नहीं पड़े। टूर का जहाँ तक मकसद है, ये फैमिलराइजेशन टूर होता है जो एक रूटीन है हमारे लिए, क्योंकि हमको पता ही है कि हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत से इकदाम उठाए हैं जिसमें नए डेस्टिनेशंस आ गए हैं टूरिज्म मैप पे। तो उन डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने के लिए जितने भी हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, तो वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इन एरियाज में चले जाते हैं। आपको पता ही है कि हमारा टूरिज्म बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है और उसमें एक हमारा सेगमेंट है बॉर्डर टूरिज्म। तो बॉर्डर टूरिज्म का जहां तक सवाल है, इसकी बहुत डिमांड्स आ रही हैं आजकल, बहुत क्वेरीज आ रही हैं। तो इसमें हमने एक इनिशिएटिव लिया है, जो बॉर्डर एरियाज है हमारे, उनमें हमारे मेंबर जाके खुद जाके वहां पर असेस करके कि वहां पर कैरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए और वहां पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमारे, खैर बहुत सी जगहों पर भी होटल्स नहीं आए हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, पेइंग गेस्ट हाउसेज हैं, और उनको देख के वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके साथ मिल के तो एक जो जामिया पैकेजेस हम तैयार करेंगे अपने प्रोडक्ट्स, उनको फिर हम मार्केट करेंगे। तो इसका बुनियादी मकसद एक वही है। चूंकि गुरेज जहाँ आप जा रहे हैं एक बॉर्डर एरिया है, फार फ्लंग एरिया है, कितना इस तरह के टूर से एक बूस्ट मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, नई डेस्टिनेशन? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, हमारा टूरिज्म जो है मैनीफोल्ड बढ़ चुका है। अब आपको पता ही है, यहाँ पर कुछ टाइम ऐसे हालात रहे जो टूरिज्म के हिसाब से कंडीशन नहीं थे, उनके मुआफिक नहीं थे, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत से सालों से यहाँ पर पुरामन माहौल है और यहाँ पर हम सबको पता ही है कश्मीर एक ऐसी जगह है जो मोस्ट सॉट आफ्टर है, जहाँ हर एक आना चाहता है देखने के लिए। इसलिए हमने भी गवर्नमेंट का वो जो मंशूर है उनका कि डाइवर्सिफाई टूरिज्म, तो उसको साथ लेके हम जा रहे हैं इन एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए और उनको टूरिज्म मैप पे फुली लाने के लिए ये फैम टूर हो रहा है। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।